कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल आज जम्मू कश्मीर जाएगा। वह प्रतिनिधिमंडल वहां के लोगों और पार्टी नेताओं से मुलाकात करेगा, लेकिन राहुल गांधी की श्रीनगर जाने की तैयारी के बीच जम्मू कश्मीर प्रशासन का बयान आया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कहा है कि विपक्षी नेता कश्मीर न आए और सहयोग करें। पुलिस सूत्रों का कहना है कि विपक्षी प्रतिनिधिमंडल को श्रीनगर एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। प्रशासन ने ट्वीट किया, नेताओं के दौरे से असुविधा होगी, हम लोगों को आतंकियों से बचाने में लगे हैं। प्रशासन ने कहा कि नेता उन प्रतिबंधों का भी उल्लंघन कर रहे होंगे जो अभी भी कई क्षेत्रों में हैं। वरिष्ठ नेताओं को समझाना चाहिए कि शांति व्यवस्था बनाए रखने और नुकसान को रोकने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ साथ विपक्षी दलों के कई नेता भी श्रीनगर जाएंगे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद राहुल गांधी पहली बार जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होंगे। विपक्षी दल के नेताओं में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद, सीपीआई के डी राजा, माकपा के सीताराम येचुरी, डीएम रेड्डी शिवा, एनपीसी के माजिद मेमन, आरजेडी के मनोज झा शामिल है। लेटेस्ट और दमदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल द न्यूज इंडियन और बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।